हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद, आपका इन्फो दोस्त, आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं ISBN और ISSN के बारे में। आज आप लोग जानोगे कि ISBN और ISSN क्या है और इनमें से कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी ज़रूरी हैं, और एक बार आप देख लोगे इस वीडियो को तो उसके बाद आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आती चली जाएंगी। तो इस वीडियो के साथ पूरे लास्ट तक बने रहना, और साथ ही में मैंने जो भी वीडियोस बनाई हैं, DDC की बनाई है, UDC की, CCC की, ACR की, और भी बहुत सारी मैंने वीडियोस बनाई हैं, मैंने उन सभी वीडियोस की एक अच्छी से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन सारी वीडियोज़ को एक बार आप ज़रूर देख लो। साथ ही में हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाओ और वहाँ पर मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी आपके एग्जाम के लिए। और साथ ही में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन लेना हो, कोई भी हेल्प चाहिए, किसी तरह का मेंटरिंग चाहिए, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आप जाकर मैसेज कर सकते हो। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, ISBN का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ये क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, यानी बुक को दिया जाने वाला एक नंबर है जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड का है। ओके, इसका इससे तो यही मीनिंग निकल में आता है। फिर नेक्स्ट है क्या, ये एक यूनिक नंबर है, एक यूनिक मशीन रीडेबल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, यानी मशीन से रीड किया जाने वाला ये एक यूनिक नंबर है जो कि बुक को दिया जाता है बिफोर पब्लिकेशन, यानी जब उसे पब्लिश किया जाता है उसके जस्ट पहले उसको एक नंबर, यूनिक नंबर, मशीन रीडेबल नंबर दिया जाता है, जिसके माध्यम से उस बुक की पहचान की जाती है कि उस बुक का पब्लिशर कौन है, उस बुक का टाइटल कौन है, एडिटर कौन है। ये सारी चीज़ों को बिना किसी मिस्टेक के आसानी से उस मशीन रीडेबल यूनिक नंबर के हेल्प से चीज़ों को, बुक को पहचान की जाती है। तो ये क्या है, एक ऐसा बुक नंबर है। ओके, और फिनेक्स स्टार्ट देखते हैं क्या है। 1966 में पहली बार इसको क्रिएट किया गया, इसको बनाया गया गॉर्डन फॉस्टर के द्वारा बनाया गया, ठीक है। और गॉर्डन फॉस्टर क्या थे, एक प्रोफेसर थे ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन आयरलैंड के, एक प्रोफेसर थे गॉर्डन फॉस्टर, और इन्होंने जो बनाया था पहली बार, फर्स्ट टाइम जो क्रिएट किया है 1966 में, उसका नाम था स्टैंडर्ड बुक नंबर। उसका क्या नाम था, स्टैंडर्ड बुक नंबर SBN नाम था, जो कि 9 डिजिट का था, 9 डिजिट का था। तो ये बात याद के समझ में कि 1966 में पहली बार से क्रिएट किया कौन, तो गॉर्डन फॉस्टर किया, और जो कि जिसका नाम था स्टैंडर्ड बुक नंबर, जो कि 9 डिजिट का था स्टार्टिंग में 1966 से। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ, 1967 में डेविड विटेकर, 1967 में डेविड विटेकर, इसने पहली बार इसको पहचान दिलाई, ठीक, इसे पहचान दिलाई यूके में, यूके के रहने वाले थे, तो उन्हें अपने देश में इसे पहली बार इसको पहचान दिलाई, और उसके बाद ये फादर ऑफ ISBN के नाम से जाने जाने लगे, ठीक। तो डेविड विटेकर को फादर ऑफ ISBN कहते हैं, यानी ही वॉज नोन एज फादर ऑफ ISBN डेविड विटेकर, कब, 1967 में। ओके, और इन्होंने पहली बार इसको पहचान दिलाई। अब क्या हुआ, 1967 हुआ, 1970 में इसे जो पहले 9 डिजिट का था, अब इसे 9 डिजिट से हटाकर अब इसके 10 डिजिट कर दिया गया, ठीक है, 10 डिजिट कर दिया गया 1970 में। और इसको जो 9 से 10 डिजिट जिसने किया वो कौन था, तो ISO था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने, ISO ने पहली बार इसे 1970 में इसमें जो 9 डिजिट का था पहले बनाया हुआ, जो कि गॉर्डन फॉस्टर बनाया था, और बाद में डेविड विटेकर ने उसको पहचान दिलाई, फादर ऑफ ISBN जो बने, उसके बाद से ये ISO ने दो ये किया, ठीक है, 1970 में 10 डिजिट कर दिया। अब है जो नंबर ऑफ डिजिट्स है, 1 जनवरी 2007 से पहले ये क्या थे, 10 डिजिट में था, और 1 जनवरी 2007 के बाद से ये क्या हो गया, 13 डिजिट का ISBN हो गया, 13 डिजिट का ISBN हो गया, कब, 1 जनवरी 2007 के बाद से। तो पहले तो ये 10 डिजिट का था, अब इसमें 3 डिजिट एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो ये जो 3 डिजिट था
वो क्या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो वो था ई ए एन, वो क्या था ई ए एन, यूरोपियन आर्टिकल नंबर। ओके, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो ऐड किया गया 2007 के बाद, 1 जनवरी 2007 को बाद से जो जिसे ऐड किया 3 डिजिट में, वो 3 डिजिट क्या था, ई ए एन था, यूरोपियन आर्टिकल नंबर था। ओके, तो यहाँ तक ये बात सारे समझ में आ गई कि क्या कहाँ से था, फॉस्टर से था, फिर विटेकर आया, फिर आईएसओ आया, और फिर ये ई एन ऐड कर दिया गया। अब आते हैं इसके एडिशन से, तो इसके एडिशन से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको फिर से मैं बताना चाहूँगा कि आप कोई भी डेट याद करो किसी का भी, तो एक सीरियल वाइज ही याद करो, तो वो चीज़ें आपको आसानी से याद होती चली जाएंगी, ज़्यादा देर तक आप उसको अपने माइंड में रख भी पाओगे और इजिली चीज़ें होती चली जाएंगी। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट एडिशन जो है यानी ISBN का, वो 1970 में जब ISO ने 10 डिजिट किया था, तो ISO 1970, फिर सेकेंड डिजिट एडिशन इसका आया 1978, 1978, थर्ड एडिशन आया 1992, फोर्थ एडिशन आया 2005, और फिफ्थ एडिशन जो सबसे लेटेस्ट एडिशन है वो आया है 2017। ठीक है, तो फिफ्थ एडिशन जो लेटेस्ट है वो है 2017 का। ठीक है, तो यही चीज़ आपको याद आनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है इंटरनेशनल ISBN जो प्रोवाइड करवाती है, जो इंटरनेशनली जो कंपनी है, एजेंसी है, वो कौन है, तो वो है ISO है। ठीक है, जो US में ISBN की जो एजेंसी है उसका नाम है RR Bowker है, और UK की जो ISBN एजेंसी है उसका नाम है Nielsen Book Service, जो कि UK में ISBN प्रोवाइड करने वाली एजेंसी है। और इंडिया की बात की जाए, इंडिया में कौन है ISBN एजेंसी, तो वो है राजा राम मोहन रॉय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN, जो कि जनवरी 1985 से ये ISBN प्रोवाइड कर रही है। और बाद में 2011 में, पहले इसका जो ऑफिस था वो कोलकाता में था, और 2011 में क्या हुआ, इसका जो ISBN का जो ऑफिस है, ISBN प्रोवाइड करने राजा राम मोहन रॉय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN है, उसका जो ऑफिस है वो कोलकाता से न्यू दिल्ली शिफ्ट हो गया, और न्यू दिल्ली में ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, MHRD, पार्लियामेंट स्ट्रीट न्यू दिल्ली में ये इसका एड्रेस शिफ्ट हो गया, इसका ऑफिस शिफ्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब आते हैं एलिमेंट्स ऑफ ISBN। ISBN में कौन कौन से एलिमेंट है, तो ISBN में टोटल 5 एलिमेंट्स है, आपको याद रखनी है 5 एलिमेंट्स है। जो पहला जो एलिमेंट उसका नाम है प्रीफिक्स एलिमेंट, दूसरा जो है रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट, तीसरा है रजिस्ट्रांट या पब्लिशर एलिमेंट, चौथा है पब्लिकेशन या टाइटल एलिमेंट, और फिफ्थ है चेक डिजिट और चेक सम डिजिट, चेक डिजिट या चेक सम डिजिट। ठीक है, ये आपके सामने ये एक ISBN नंबर है जो आपको फर्स्ट 3 लेटर देखा है, ये EN है या प्रीफिक्स है, इसको प्रीफिक्स एलिमेंट कहते हैं। फिर 93 है, ये रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट है, जो ये थर्ड जो आपको दिख रहा है ये है रजिस्ट्रांट या पब्लिशर एलिमेंट, यानी पब्लिशर इसमें बताता है। फिर नेक्स्ट जो है फोर्थ एलिमेंट वो है पब्लिकेशन एलिमेंट या टाइटल एलिमेंट, और जो फाइव डिजिट है, फिफ्थ यूनिट है, डिजिट है, वो है फिफ्थ एलिमेंट है, वो है चेक डिजिट या चेक सम डिजिट। ओके, अब आते हैं प्रीफिक्स एलिमेंट, तो प्रीफिक्स एलिमेंट में क्या 3 डिजिट का है, सारे आपको याद रखने की कि इसमें कितने डिजिट मैक्सिमम होते हैं, तो प्रीफिक्स एलिमेंट है वहाँ पर मैक्सिमम में ये 3 डिजिट का EAN नंबर होता है, 3 डिजिट का EAN फिक्स है, ये 3 डिजिट का ही नंबर होगा, और वो है EAN यूरोपियन आर्टिकल नंबर। ठीक है, इसको 1 जनवरी 2007 के बाद से इसको ऐड किया गया था, और इसमें जो 978 और 979 का यूज किया जाता है EAN में। ठीक है, 978 या 979 यूज किया जाता है। दूसरा है रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट, इसमें 1 से लेकर 5 डिजिट का नंबर होता है, 1 से लेकर 5 डिजिट लेंथ का ये नंबर होता है, इसमें कंट्री का इस ये जो है ये कंट्री को बताता है, या ज्योग्राफिकल रीजन को बताता है, या वहाँ के लैंग्वेज को बताता है, तो ये चीज़ों को बताने का काम करता है सेकेंड वाला एलिमेंट, रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट, जो कि 1 से लेकर 5 डिजिट तक होता है। ओके, नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन पब्लिशर एलिमेंट, तो इसमें पब्लिशर के बारे में पता चलता है, ये क्या होता है अप टू 7 डिजिट, यानी 7 डिजिट मैक्सिमम 7 डिजिट तक इसमें होता है लेंथ में। फिर फोर्थ है पब्लिकेशन या टाइटल एलिमेंट, इसमें टाइटल के बारे में पता चलता है, ये अप टू 6 डिजिट यानी 6 डिजिट तक होता है, ये ऊपर वाला 7 डिजिट तक। ठीक, और ये क्या है 6 डिजिट तक। फिर नेक्स्ट है लास्ट चेक डिजिट, ये सिर्फ सिंगल होता है, सिंगल डिजिट का होता है, इससे इधर डिटेक्शन पता करता है किया जाता है, गलतियाँ इधर को फाइंड आउट किया जाता है। तो ये सारी बात है, 5 चीज़ आपको याद रखनी है, पहला जो है उसमें 3 डिजिट है, दूसरा है उसमें मैक्सिमम 5 डिजिट है,
तीसरा है 7 डिजिट है, चौथा है 6 डिजिट है, और फिफ्थ है क्या, सिंगल डिजिट है, 1 डिजिट है। ओके फिर नेक्स्ट जानते हैं कि कुछ कौन कौन से कैटेगरी है जहां पर ISBN दिया जाता है। तो ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स इंक्लूडिंग पैम्फलेट, मैप्स एंड एटलस, सभी तरह के बुक, चाहे वो पैम्फलेट हो, मैप हो, एटलस है, उन सभी दिया जाता है। ब्रेल लिपि में पब्लिकेशन हो उसमें दिया जाता है। एजुकेशनल वीडियोज़ है, DVDs है, उनमें दिया जाता है। बुक्स में दिया जाता है, कैसेट्स में दिया जाता है, सीरीज़ में दिया जाता है, माइक्रोफॉर्म पब्लिकेशन में दिया, ई बुक्स में दिया। तो ये सारी चीज़ों में ISBN नंबर दिया जाता है। अब ISBN नंबर दिया किस में नहीं जाता, तो सीरियल पब्लिकेशंस में नहीं दिए जाते हैं, कैलेंडर्स में नहीं दिए जाते हैं, नोटबुक्स में नहीं दिए जाते हैं, म्यूजिक साउंड रिकॉर्डिंग्स में, इन सभी जगहों पर ISBN नंबर नहीं दिए जाते हैं। ओके तो ये हो गया हमारे यहाँ तक ISBN। अब आते हैं हम लोग कि ISSN क्या होता है। ठीक है, तो ISSN क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, यानी ये सीरियल नंबर देता है। वो था बुक नंबर देने वाला और ये है सीरियल नंबर देने वाला। ठीक है, तो ये भी एक यूनिक डिजिट है, यूनिक डिजिट है जो कि क्या करता है, सीरियल नंबर, सीरियल पब्लिकेशन को ये नंबर प्रोवाइड करता है। और ये क्या, 8 डिजिट वाले नंबर है, 8 डिजिट का इसमें नंबर होता है। ISO ने ड्राफ्ट किया था ISSN पहली बार 1971 में, 1971 में इसको ड्राफ्ट किया गया और 1975 में इसको पब्लिश कर दिया गया, यानी 1971 में बना और 1975 में 1975 में इसे पब्लिश ISSN को कर दिया गया, और एज ए ISO 3297 के तहत। नेक्स्ट है ISO का जो सब कमिटी है TCSE9, ये रिस्पॉन्सिबल है, इसको मेंटेन करता है, स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का काम TCSE9 के हाथों में है। फिर है कि अगर इफ द सेम सीरियल इज पब्लिश इन डिफरेंट फॉर्मेट, अगर एक ही सीरियल है, सेम सीरियल है, वो अगर अलग अलग फॉर्मेट में पब्लिश हुआ हो, अगर मान लीजिए एक पेपर में पब्लिश हुआ है, हार्ड कॉपी में पब्लिश हुआ है, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में पब्लिश हुआ है, तो उसका ISSN नंबर जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, दोनों के लिए अलग अलग होता है। बुक नंबर सेम होगा, ISBN नंबर सेम होगा, लेकिन ISSN नंबर अलग अलग होगा। ठीक है, फिर एक PISSN है, इसको कहा जाता है प्रिंट मीडिया का जो ISSN है उसको PISSN लिखा होता है। EISSN का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, और LISSN का मतलब है लिंकिंग ISSN हो गया। मैंने जैसे बताया कि ये 8 डिजिट का होता है, 8 डिजिट का होता है जो 4 डिजिट में सेपरेट होता है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ISSN का ये 2536, फिर डैश है, फिर 5169, ये 4 डिजिट का है जो कि डैश हाइफन से सेपरेट होता है। जो लास्ट डिजिट इसका होता है वो क्या होता है, चेक डिजिट होता है, जैसे इसमें 9 है, चेक डिजिट है। तो ये हो गया आपका ISSN। तो आपको यहाँ तक समझ में ये सारी बातें आ गई होगी कि ISBN और ISSN क्या है। तो अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो का PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाओ, वहाँ पर मैं इसे अपलोड कर दूंगा। फेसबुक ग्रुप का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, मैंने इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो और फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हो, जहाँ से आप आसानी इजली से इसका PDF और जो भी चीज़ें होंगी मैं उनका वहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरह अपनी तैयारी करते रहे, और कोई परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, तो कमेंट हमें ज़रूर करें। सो आपका दिन अच्छा हो, थैंक यू वंस अगेन।